तो हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, पिछला जो वीडियो था उसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे, एनिमल के सेंस एबिलिटी में ये जो एंट होते हैं इनके एंटीना के बारे में पढ़े थे, ये जो बी होती है मधुमक्खियाँ होती है ये फ्लावर्स पे जब नेक्टर रस पाती है तो एट रूप से क्या करती है बताती है, एट प्रकार से डांस करके क्या करती है बताती है, ये पढ़े थे। तो हम आगे का जो टॉपिक है आगे पढ़ा जाए, ठीक है। तो कह रहा है बटरफ्लाईज हैव स्पेशल सेंस ऑर्गन्स इन देयर फीट विच हेल्प देम टू स्मेल, दे आल्सो हैव हेयर ऑन देयर विंग्स डैट आर सेंसिटिव टू टच एंड हेल्प देम टू डिटेक्ट द चेंजेस इन एयर प्रेशर विच हेल्प देम इन फाइंडिंग फूड, ठीक है। तो देखो ये जो बटरफ्लाई होती है इनका जो सेंस ऑर्गन्स होता है इनके पैरों में होता है, कहाँ होता है जो इनका क्या करता है, जो बटरफ्लाई होती है इनका जो सेंस ऑर्गन होता है वो बहुत ही स्पेशल होता है, ठीक है। और वो पैरों में होता है जिससे वो क्या करती है स्मेल करती है, क्या करती है और कह रहा है दे आल्सो हैव हेयर ऑन देयर विंग्स, कह रहा है इनके जो विंग्स होते हैं पंख होते हैं उस पर क्या होता है बाल होता है, क्या होता है और वो क्या होता है बहुत ही सेंसिटिव होता है, बहुत छोटा छोटा होता है, ठीक है, बहुत सूक्ष्म होता है और छूने पे क्या वो छू एक मिनट वेट। तो ये जो उनके पंख होता है जो उनका पंख होता है उसमें बहुत ही छोटा छोटा क्या होता है बाल होता है, ठीक है। जो उनका पंख होता है देखना बहुत ही, जो बटरफ्लाई उड़ती है उनका जो पंख कभी टच करना बहुत ही नाजुक होता है, ठीक है ठीक है। और ये उनकी मदद भी करता है डिटेक्ट करने में पता लगाने में, ये जो उनका पंख होता है क्या करता है पता लगाने में उनकी मदद करता है, द चेंज इन एयर प्रेशर विच हेल्प देम इन फाइंडिंग फूड, और ये जो हवा प्रेशर को पता लगाने में उनकी मदद करता है और खाना भोजन ढूंढने में, ठीक है। यहाँ तक समझे, एक बार और समझा दे रहा हूँ, ये जो बटरफ्लाईज होती हैं इनका जो इस सेंस ऑर्गन्स होता है इनके कहाँ होता है पैर में होता है, पैर में होता है, ठीक है, और बहुत ही विशेष होता है, और इनके पास पंख भी होता है जो बहुत ही सूक्ष्म होता है जिसपे क्या होता है बाल होता है, क्या होता है बाल होता है, ठीक है। ऐसे टू टच एंड उसको छूने में बहुत ही क्या होता है बहुत ही सेंसिटिव होता है, छूओगे तो बहुत ही नाजुक होगा, ठीक है। और ये उनको मदद करता है पता लगाने में जैसे कि कितना तेज कहाँ पे हवा का प्रेशर, उससे क्या करती है अपने पंखों से पता लगा लेती है, ठीक है। और अपने भोजन जो होता है उसको भी ढूंढने में क्या करती है अपने पंखों का यूज करती है, ठीक है। आगे कह रहा है मोस्ट बीटिंग मॉस्किट हैव लॉन्ग माउथ पार्ट विच एक्ट एज सेंस ऑर्गन्स टू हेल्प देम स्मेल एंड सेंस बॉडी हीट, ठीक है। तो ये जो मॉस्किटोज होते हैं काटने वाले जो मॉस्किटोज होते हैं उनके पास लंबा लंबा बड़ा बड़ा क्या होता है मुंह होता है माउथ होता है, ठीक है ठीक है, जो उनके एक सेंस ऑर्गन्स की तरह काम करता है, कैसे काम करता है सेंस ऑर्गन्स की तरह, और वो उनकी मदद करता है स्मेल करने सूंघने में मदद करता है और ये पता लगाने में मदद करता है, जैसे सुनने में मदद करता है और समझने में बॉडी हीट को जैसे बॉडी की गर्मी को समझने में भी वो क्या करता है मदद करता है, क्या करता है। मॉस्किटो के बारे में जान गए, बटरफ्लाईज के बारे में जान गए, मॉस्किटोज के बारे में जो मॉस्किटोज होते हैं जो मच्छर होते हैं काटने वाले इनका देखियो ना इतना बड़ा बड़ा मुंह होता है, तो ये जिनका मुंह होता है ये इनके सेंस ऑर्गन्स की तरह काम करता है, ठीक है। और ये उनकी मदद करता है पता लगाने में जैसे कि समझने में मदद करता है कि ये बॉडी हीट है, ठीक है। यस सर, बॉडी जो हीट होती है उस पे जाकर वो बैठ जाते हैं, ठीक है। यस सर, आगे कह रहा है एनिमल्स लाइक डॉग, एक कह रहा है एनिमल्स लाइक डॉग्स एंड बियर्स इन द पोलर रीजन, ये जो पोलर रीजन होता है ध्रुवी क्षेत्र, ध्रुवी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ के जानवरों के बारे में जैसे कि कुत्ता हुआ भालू हुआ, कह रहा है पोलर रीजन कैन डिग फूड बिलो द स्नो बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, कह रहा है ये जो
कुत्ता होते हैं और वहाँ के जो भालू होते हैं बर्फ से गहराई में ढके हुए भोजन को भी क्या कर लेते हैं, सूंघ लेते हैं, ठीक है, पा जाते हैं। ये जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, पोलर रीजन होते हैं, वहाँ के जो जानवर होते हैं, कुत्ता हुआ और जो भालू है, वो बर्फ से ढक जाता है जब, तो उसके नीचे अगर भोजन रहता है, गहराई में अगर भोजन है और ऊपर से बर्फ से ढक गया है, तो ये अपने सेंस जो स्मेल करने की इन लोगों के पास जो शक्ति होती है उससे क्या करते हैं, पा जाते हैं, पता लगा लेते हैं कि कहाँ भोजन है कहाँ नहीं है, ठीक है। आगे देखना, ब्लड हाउंड्स आर वन ऑफ द कीनेस्ट स्निफर इन द वर्ल्ड। कह रहा है ये जो ब्लड हाउंड्स होते हैं, ये जो ब्लड हाउंड्स होते हैं, इनको शिकारी कुत्ता भी बोला जाता है। ये जो ब्लड हाउंड्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है बच्चों, शिकारी कुत्ता। ये ऐसे जो कुत्ते होते हैं, इनका जो इन द वर्ल्ड आर वन ऑफ द कीनेस्ट स्निफर इन द वर्ल्ड, ये बहुत ही तेज सूंघने वाले क्या होते हैं, कुत्ते होते हैं, ठीक है। संसार में बहुत ही तेज सूंघने वाले कुत्ते होते हैं। ये जो ब्लड हाउंड्स है, ये जो होते हैं, सॉरी कुत्ते नहीं होते जी, ये जो ब्लड हाउंड में होता है सूंघने वाला कुत्ता, ठीक है। ये संसार में बहुत ही ये सबसे तेज सूंघता है, ठीक है। ये बहुत ही तेज सूंघता है, ठीक है, बहुत ही तेज, ठीक है। आई कह रहे देयर सेंस ऑफ स्मेल इज 10,000 टाइम बेटर देन आवर्स एंड 10 टाइम्स बेटर देन डैट ऑफ देयर डॉग। कह रहा है देखो बच्चों ध्यान से सुनो, ये जो होता है हम लोगों से 10,000 गुना सूंघता है। जैसे हम लोग अगर हमारे बगल में कुछ दूर पे बन रहा है कुछ, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से सूंघेंगे तो सूंघ लेंगे, अब घर से तो सूंघ नहीं पाओगे, लेकिन वो हम यहाँ से इतने दूर की सूंघ ले रहे हैं ना, यहाँ से कुछ दूर की सूंघ ले रहे हैं, उतने दूरी का वो 10,000 गुना, तो समझो कि बहुत दूर रहेगा तब भी उसको पता सूंघ लेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, चाहे क्या यहाँ पे मौक रहा है, ठीक है। तो जो ये सूंघने की इसकी शक्ति होती है हम लोगों से 10 गुना ज़्यादा होती है, और ये जो कुत्ते होते हैं इन लोगों से, ये जो नॉर्मल कुत्ते होते हैं इन लोग से 10 गुना, और हम लोगों से 10,000 गुना, और ये जो नॉर्मल कुत्ते उन लोगों से 10 गुना सूंघने की शक्ति इनकी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ओके। ब्लड हाउंड्स कैन ट्रेस अ पर्सन बाय बीइंग मेड टू स्निफ थिंग्स बिलोंगिंग टू द पर्सन दे हैव टू ट्रेस। कह रहा है ब्लड हाउंड जो होता है ये ऐसे आदमी को भी ट्रेस कर सकता है, ऐसे पर्सन को, ऐसे प्राणी को ट्रेस कर सकता है बीइंग मेड टू स्निफ थिंग। जैसे कि मान लो, तो अक्सर तुम लोग देखते हो ये जो ब्लड हाउंड्स होते हैं ये ऐसे आदमी का पता लगाते हैं, ऐसा उस ब्लड हाउंड्स को तुम कुछ सुंघा दो, ठीक है, उस किसी आदमी का पता लगाना है तो उस आदमी से रिलेटेड कोई सूंघने वाली चीज़ हो उससे सूंघा दो कुत्ते को, उस ब्लड हाउंड्स को, तो वो सूंघ कर उस आदमी का क्या कर लेगा, पता लगा लेगा। इसीलिए उनका देखो अक्सर फिल्मों में यूज किया जाता है इन कुत्तों को, देखो CID में इन सब में देखे हो ना, यूज करते हैं कि जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ रहता है इन सब जगहों पे या कहीं पे मर्डर हुआ रहता है वहाँ पे ऐसे कुत्तों को ले जाते हैं, वो कुत्ते सूंघते हैं और फिर उस आदमी का क्या करते हैं, पता लगाने लगते हैं, ठीक है। तो वो आदमी अपना कुछ ना कुछ वहाँ छोड़ जाता है जिसको सूंघ कर वो क्या करते हैं, उस आदमी को पता लगा लेते हैं, ठीक है। यस सर। आगे पर देखो कह रहा है बट एक्चुअली दे स्मेल अ पर्सन बॉडी सेल्स एंड नेवर गेट कन्फ्यूज अबाउट ऑनर ऑफ द स्मेल। ये जो होते हैं लेकिन यहाँ तक तो जान गए ये सब, लेकिन ये जो होता है क्या कह रहा है, एक्चुअली द स्मेल ऑफ पर्सन्स बॉडी, जो पर्सन्स बॉडी होता है, जो आदमी का जो शरीर होता है, चाहे जीव हो उसका जो शरीर होता है क्या करता है, सेल्स, जो शरीर का सेल्स होता है, हम लोग के शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं उसको ये क्या कर लेता है, सूंघ लेता है, किसको, हमारे शरीर के कोशिकाओं को क्या करता है, सूंघ लेता है। एंड नेवर गेट कन्फ्यूज, और ये कभी भी कंफ्यूज नहीं होता है, भटकता नहीं है। जैसे कि हमारे सेल्स को सूंघ लिया, तो ये सूंघ लिया तो मेरे सेल्स को मैं कहीं भी रहूंगा तो मुझे पता लगा लेगा, कभी 10 लोगों को के बीच में भी खड़ा रहूंगा तब ये क्या करेगा, पता लगा लेगा, मेरे पास पहुंच जाएगा, क्योंकि ये कंफ्यूज नहीं होता है, हमारे सेल्स को, हमारी जो कोशिकाएं होती है अंदर शरीर में उसको ये स्मेल कर देता है, ठीक है। अबाउट द ऑनर ऑफ द स्मेल, ठीक है, समझ गया तो yes,
ये हमारी कोशिकाओं को स्मेल कर रहता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें, हम चाहे कितनों भीड़ में रहे, वो हमारे तक पहुंच जाएगा, हमको पता लगा लेगा। ये कभी भी इधर उधर नहीं भटकता है, कंफ्यूज नहीं होता है। कोशिकाओं, जैसे कि हमारे कोशिकाओं को अगर सुन लिया तो ये नहीं कि ये तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, तुम्हारी कोशिकाओं के पास नहीं। जब मेरे कोशिकाओं को सुन लिया तो ये हजारों लोग के बीच में खड़ा रहूँगा तो मुझ तक पहुंच जाएगा, अगर मेरा बच्चा है तो, मतलब मेरा है तो, ठीक है। ब्लड हाउंड्स के बारे में जान गए, बटरफ्लाईज, मॉस्किटोज, ब्लड हाउंड्स के बारे में तीन टॉपिक पढ़ा दिए हैं, और पीछे बी एंड इन सब के बारे में पढ़ाए थे। नेक्स्ट आगे देखो, रैबिट्स एंड डियर्स कैन स्मेल अ प्रीडेटर फार अवे। ये जो रैबिट्स होते हैं और डियर्स होते हैं, तो जान लो रैबिट्स मीन्स क्या होता है, क्या होता है, और डियर मीन्स। तो ये जो रैबिट्स और डियर हैं, ये स्मेल कर सकते हैं। कोई दरिंदा आ रहा है या कोई हिंसकर नुकसान पहुंचाने वाला जानवर आ रहा है तो उसको दूर से क्या करते हैं, महसूस कर लेते हैं। देखो खरगोश और हिरण के बारे में जान गए, ये बहुत ही दूर, अगर कोई हिंसकर कोई इनको नुकसान पहुंचाने वाला जानवर आ रहा है बहुत ही दूर है तब ये क्या कर लेते, स्मेल कर लेते, सूंघ लेते। जैसे देखते हो जंगलों में अक्सर, अभी हिरन बहुत दूर रहता है और जब शेर उस पर अटैक करने जाता है तब तक उसको, उन सबको पता चल जाता है, भागने लगते हैं। या देखोगे खरगोश, खरगोश को कोई पकड़ पाता है जल्दी, क्यों नहीं पकड़ पाता है, गाय को दूर से स्मेल कर लेते हैं, ठीक है, कि कोई आ रहा है तो वो भाग जाते हैं, ठीक है, पास जाने का मौका ही नहीं देता, तब तक उन लोग को पता चल जाए कि कोई आ रहा है। इन लोगों के पास इतना खतरनाक है, इतना तेज होता है, क्या स्मेल करने की शक्ति। ओके आगे देखो, कह रहा है बैट्स मूव इन द डार्क विदाउट हिटिंग एनीथिंग ड्यू टू अ प्रोसेस कॉल्ड इकोलोकेशन। आगे देखो, ये जो बैट्स होते हैं, ये रात में, एकदम अंधेरी रात में, ये क्या कर लेते हैं, किसी भी चीज को बिना टच किए, ठीक है, बैट्स मूव इन द, ये रात में किसी भी चीज़ को बिना टच किए, चाहे किसी भी चीज़ से टकराए, ये क्या कर लेती है, उड़ लेती है, इधर उधर जा सकती है, ठीक है। ये किसके कारण जाती है, गूंज के कारण, क्या, ठीक है। तो ये जो बैट्स होती हैं, ये गूंज के कारण, जिसको गूंज कहा जाता है, गूंज के कारण अपना लोकेशन, अपना स्थिति के, स्थिति क्या कर लेती है, पता कर लेती है, और ये किसी भी चीज़ को बिना टच किए मूव कर लेती है, ठीक है, मूव करती रहती हैं। इट मीन्स लोकेटिंग समथिंग बाई मीन्स ऑफ एन इको। इसका मतलब कह रहा है, इट मीन्स लोकेटिंग समथिंग बाई मीन्स ऑफ एन इको। इसका ये मतलब है कि कुछ कुछ खोजना हो या कुछ भी खोजना हो तो किससे खोज लेती है, गूंज से, किससे, ठीक है। तो इसका यही मतलब है कि अपने गूंज के कारण, गूंज से क्या करती है, मूव करती रहती है, उड़ती रहती है और उसी से अपने जगह पे चली जाती है, ठीक है। आगे देखो, स्नेक डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स बट हैव अ हियरिंग बोन इन देयर जॉज टू सेंस इवन द स्मॉलेस्ट वाइब्रेशन इन द ग्राउंड। बच्चों ध्यान देना, ये जो सांप होता है इसके पास बाहर से कोई कान नहीं होता, क्या, कोई कान नहीं होता, ठीक है, लेकिन इसके पास एक सुनने वाली हड्डी होती है, क्या होती है, सुनने वाली हड्डी, हियरिंग बोन होती है। ये कहाँ होती है, इसके जबड़े में होती है, कहाँ, जबड़े में। उसे इससे समझते हैं, ये सब ये समझ सकते हैं, जो जबड़े में होती है इनकी हड्डी, इससे ये क्या कर सकते हैं, यहाँ तक ये समझ सकते हैं कि अगर ग्राउंड पे, धरती पे हल्का सा भी वाइब्रेशन हो उसको भी क्या कर लेती है, समझ जाती है, पता लगा चल जाता है इन लोग को, ठीक है। ये जो सांप होते हैं बच्चों, इन लोगों के पास बाहर से कोई कान नहीं होता है, लेकिन एक हड्डी होती है सुनने वाली, जो इनके जबड़े में होती है, जिससे पता लगा लेते हैं अगर धरती पे थोड़ा सा भी हल्का सा वाइब्रेशन होता है तो ये पता लगा लेती है, ठीक है। यस सर। ओए ध्यान देना, कह रहा है दे हैव अ फॉर्क्ड टंग इन देयर माउथ। इनके मुंह में दो नुक वाला क्या होता है, जीभ होता है। सांप के मुंह में देखे हो, दो नुक वाला जीभ होता है,
दे फ्लिप इट कॉन्स्टेंटली एंड यूज इट स्मेल द एयर अराउंड देम। ये इसको बार बार बाहर निकालते हैं, अंदर करते रहते हैं। सांप देखे हो ना, हमेशा अपना जीभ को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, अंदर करते हैं, बाहर निकालते हैं, अंदर करते हैं, ठीक है। ये हमेशा करते रहे, इसका यूज करते हैं ये एयर को समझने के लिए, ठीक है, अपने आसपास के हवा को समझने के लिए, या हवा का ठीक क्या करने के लिए, स्मेल हवा को समझने के लिए ये बार बार अपने जीभ को अंदर बाहर करते रहते हैं। क्विज टू हंट वर्म्स यूजिंग देयर सेंस ऑफ स्मेल। ये जो क्विज होते हैं, क्विज मीन्स क्या बताएं, क्विज टू हंट वर्म्स यूजिंग देयर सेंस ऑफ स्मेल। ये जो क्विज होते हैं, इनके पास जो ये न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, इनका जो चोच होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, और जो इनके पंख होते हैं छोटे छोटे, ये उड़ नहीं सकते, ठीक है। टू ये जो होते हैं, टू हंट वर्म्स यूजिंग देयर सेंस ऑफ स्मेल, ये अपने सेंस ऑफ स्मेल का यूज करके, जो सूंघने वाली शक्ति होती है उससे यूज करके ये कीड़ों का क्या करते हैं, शिकार करते हैं, ठीक है। एनिमल्स लाइक रैट्स एंड स्क्वायरल्स हैव विस्कर्स विच आर सेंसिटिव टू स्मेल एंड हेल्प देम फाइंड देयर फूड। एनिमल जानवर जैसे कि चूहा हुआ, स्क्वायरल्स हुए, अब एनिमल्स लाइक रैट्स एंड स्क्वायरल, कह रहा है जानवर जैसे कि चूहा हुआ, गिलहरी हुआ, हैव विस्कर्स विच आर सेंसिटिव टू स्मेल एंड हेल्प देम फाइंड देयर फूड। इनके पास मूंछ होता है, ठीक है, जिस जो क्या होता है बहुत ही सूक्ष्म होता है, बहुत ही नाजुक होता है, टू स्मेल एंड हेल्प देम फाइंड देयर फूड। ये सूंघने वाला होता है, जिससे स्मेल सूंघ कर और इनकी मदद करता है इनका भोजन पाने में। ओके बच्चों, तो जान गए रैट के बारे में, रैट और स्क्वायरल्स गिलहरी, ये जो चूहा गिलहरी होते हैं, इन लोगों के पास मूंछ होता है, ठीक है, जिससे क्या करते हैं, अपने फूड को सूंघ लेते हैं, ठीक है, मूंछ से, ठीक है। तो के आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा। डू लाइक सब्सक्राइब एंड